इमरान खान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान की नई गठबंधन सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए नए ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी है। पाक की शहबाज सरकार ने नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री के तौर पर कमर जमान की नियुक्ति की है। पाकिस्तान सरकार अपने इस फैसले को लेकर देश के भीतर पूरी तरह घिर गई है। वहीं इस मामले को लेकर पाकिस्तान की सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हाथ में एक ऐसा देश छोड़ गए हैं जहां उन्हें महंगाई और लचर अर्थव्यवस्था से जूझना पड़ेगा। वर्तमान में पाकिस्तान घोर आर्थिक चुनौतियों की दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से अटकलें लग रही हैं कि नई सरकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बहाल करने का फैसला किया है, जो अगस्त 2019 के बाद से बंद पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक के साथ साथ कई अन्य तमाम चुनौतियां हैं जिनसे शहबाज शरीफ को फिलहाल मुकाबला करना है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को खत्म कर दिया था। खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं कर दी जाती, भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम नहीं किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने के फैसले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ने लगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को अपने मुल्क वापस बुला लिया था और इस्लामाबाद में मौजूद भारत के हाई कमीशन को भी वापस भारत जाने के लिए कहा था। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि जब भारत के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है तो फिर ट्रेड मंत्री को नियुक्त करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान का फैसला था कि जब तक भारत कश्मीर के फैसले को वापस नहीं लेता तब तक भारत के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में शहबाज सरकार का फैसला भारत की तरफ उनके झुकाव को दिखा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान सरकार के ट्रेड मिनिस्टर की नियुक्ति करने के फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि ये एक तरह से भारत के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। इस फैसले की आलोचना होने के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार को सफाई भी देनी पड़ गई। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली में ट्रेड मंत्री की एक नियुक्ति एक रूटीन प्रक्रिया है। सरकार ने कहा कि भारत के साथ व्यापार को लेकर पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। इस फैसले का भारत से व्यापार को लेकर कोई संबंध नहीं है। इस अपॉइंटमेंट को भारत के साथ कारोबार प्रतिबंधों में छूट देने की बात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वही खबरों की माने तो इससे पहले पाकिस्तान के एक व्यवसायी ने भी भारत के व्यापारिक संबंधों की बहाली पर जोर दिया था और कहा था कि देश में महंगाई को कम करने का यही एकमात्र तरीका है। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्तों को ही खत्म कर दिया। इससे आने वाले समय में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं तो इससे पाकिस्तान खराब अर्थव्यवस्था से उबरने में मदद मिलेगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की नई सरकार आखिरी फैसला क्या लेती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।